दीवाने माने। अब मानोगे? गुड बेबी बनोगे? Hey guys, good morning. Welcome back to my channel, साक्षी शर्मा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मेरी जस्ट अभी आँख खुली थी तो मैंने कॉफ़ी वगैरह बनाई है अपने लिए। चाव को दूध दे दिया, दूध बिस्किट, ब्रेड। और अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। क्या नाइट में मैंने नहीं की थी क्योंकि डुगू बोला नहीं करो मम्मा नहीं करो। तो बस अभी जस्ट मैंने ओपन किया है लैपटॉप। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपने वीडियो की एडिटिंग। और आज जो है मौसम भी फाइन, फर्स्ट टाइम जो है खुला हुआ है और सूरज जो है आ चुका है। ये देखिए, तो आज थोड़ा बहुत मौसम खुला है, देखते हैं यही खुला रहेगा या फिर वही थोड़ी देर खुल के और आधे दिन बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो फाइनली एडिटिंग हो गई है कंप्लीट। तो वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। मिस्टर शर्मा हैट्स ऑफ टू यू जो आप इतने मेरे लिए करते हैं, इतना टाइम देते हैं। तो ये देखिए एक्सपर्ट हो रही है वो। बस अभी बज रहे हैं 9:45, तो पूरा टाइम लग गया इसमें। अब जैसे ये हो जाएगी कंप्लीट तो मेरा ब्लॉग चला जाएगा टाइम पे। थोड़ा सा लेट है तो कल से मैं और जल्दी करने की ट्राई करूँगी। नाइट में डुगू का एक्चुअली मूड का पता नहीं रहता है कि वो करने देगा या नहीं करने देगा। तो अब चलते हैं डुगू को उठाने, अभी वो सो रहा है तो उठा देते हैं। अब मेरा मेन काम था एडिटिंग का, वो हो गया तो अब मैं उसको उठा देती हूँ, उसको ब्रेकफास्ट वगैरह देती हूँ, उसके बाद लगते हैं अपने आगे काम में। ये देखिए चाव को, ये अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी यहीं बैठ के, तो ये यहीं मेरे पास ही बैठा हुआ था। देखा जाए सो ही आया अभी तक। तो आज बहुत दिनों बाद सूर्य भगवान भी प्रकट हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप आ गए। अब कपड़े जो हैं वो इजीली सूख जाएंगे। सो गाइज, आज मेरे से हो गई कुछ गड़बड़। कुछ डेज पहले आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं ग्रॉसरीज लेने गई थी, तो वहाँ से मैं एक पैकेट इडली रवा लेकर आई थी। तो रवा तो जैसे सब कहते हैं कि रवा, सब कहते हैं क्या, अक्सर सुना ही है कि रवा को सूजी बोला जाता है। तो मैं इडली बनाने के लिए मैंने सोचा ये इडली के लिए स्पेशल रवा होगी, तो वो मैं पैकेट ले आई थी एक। तो आज मैंने उस पैकेट में को यूज़ किया, मेरे पास थोड़ी बटर मिल्क लग रखी थी तो मैंने सोचा डुगू के लिए इडली बना देती हूँ थोड़ी सी। ब्रेकफास्ट में हम लोग इडली का ब्रेकफास्ट कर लेंगे इडली से। तो मैंने जो है वो थोड़ी सी ही, ये देखिए थोड़ी ही मैंने रवा ली थी और ये फूल फूल के अब ये बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हो गई है। अब ये इसकी ऐसी हालत हो गई है ना, और ये ना ये बैटर बना है और ये ना कुछ और बना है। अभी इसमें पानी अलग है और रवा अलग है। मुझे एक्चुअली ये यूज़ ही नहीं करना आया कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, और ये थोड़ा मोटा रवा था तो मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लगा होता होगा इडली के लिए, क्या पता गुजरात में यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता होगा। तो मैंने इसको भिगो दिया, थोड़ी देर बाद देखा तो इसकी क्वान्टिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, YouTube पे देखा तो YouTube से कुछ और ही मिल रहा था कि इसमें उड़द की दाल भी मिक्स होती है, तो इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी। तो अब हो गई बहुत ज़्यादा गड़बड़। अब ये इतने बैटर का मैं क्या करूँ? अगर आप लोगों के पास कुछ सुझाव हो, कुछ सजेशन हो कि मैं इस बैटर का क्या कर सकती हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इन द लास्ट मुझे ये फेंकना पड़ेगा। लेकिन कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और फिर मैंने लास्ट में सोचा कि इसके साथ है ना, मैं इसका तवे पे जो है चिल्ला टाइप बना के देखती हूँ। और चिल्ला भी जो मैं बनाने लगी, क्योंकि इसमें पानी है तो फिर इसमें से बहुत ज़्यादा पानी के छींटों की वजह से गरम तेल में वो सारा फैल गया। तो मैंने ये चिल्ला ट्राई तो किया है, कुछ कुछ बन गया है, बट इतने सारे चिल्ले और ये इसमें जो है वो ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसके चिल्ले बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो आज मेरी इडली तो गई काम से बाहर। तो
बस ये गड़बड़ होगी आज मुझसे और हमारा ब्रेकफास्ट भी है जो है वो इडली वाला कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कि क्या बनेगा। सो फाइनली चिल्ला जो है वो बनके तैयार हो गया इडली बैटर का। इडली बैटर नहीं कह सकते, इडली रवा का चिल्ला ये बोल सकते हैं, क्योंकि और कुछ तो बना नहीं तो चिल्ला ही बना था। डुगू ने तो रिजेक्ट कर दिया है कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, तो अब ये मुझे खाना पड़ेगा। और इसमें नमक भी इधर उधर ही डला है क्योंकि मैंने ऊपर से नमक डाला था, इसमें नमक मिक्स नहीं किया हुआ है, तो ये ऐसे ही खाना होगा। हाँ, ये केचप या सेजवान के साथ मैं खा सकती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैंने जैसे मशीन लगा रखी थी, हाँ मॉर्निंग में भी एक बार मैं लगा चुकी हूँ, क्योंकि कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे और मिस्टर शर्मा जो है वो जाते जाते थोड़ा बहुत क्या वो टैप वगैरह कुछ होती है उसकी, वो ऐसे टेम्परेरी सी सेट करके चले गए थे क्योंकि प्लम्बर नहीं मिला था हमें टिल नाउ। तो मशीन लगी थी तो कल भी मैंने वॉश किए थे और आज मॉर्निंग में भी, और दिन में जैसे धूप निकली थी मैंने आपको बताया था, तो कपड़े जो है वो अच्छे से सूख गए थे। और तो मैंने सोचा एक बार एक शिफ्ट और लगा ली जाए, तो अभी मशीन जो है वो रुक चुकी है, कपड़े मेरे धुल चुके हैं, मैं जा रही हूँ उनको सुखाने के लिए। और अभी मैं कपड़े सुखाने के बाद करती हूँ डिनर की तैयारी। मैं बनाऊँगी भिंडी और रोटी, हम दोनों खाएंगे भिंडी और चपाती। मैंने मम्मा से बात नहीं मानी। अब मानोगे? गुड बेबी बनोगे? और क्या करोगे? और मैं आपके बात मानूंगा गुड बेबी के जैसे। फिर तो आप बहुत अच्छे अच्छे बेबी बन जाओगे। गुड बेबी बनोगे? बनूंगा। और स्टडी भी करोगे? कर लोगे? श्योर? मैं तू को इस साइड ले जाऊंगा, फिर एप्पल को इस साइड ले जाऊंगा। वो स्टडी करोगा वो वाला। डॉटेड वाली स्टडी करोगे? फिर अपने आप भी लिख के दिखाओगे? अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम सोच रहे हैं अब डिनर कर लिया जाए, क्योंकि डुगू को भी उबासी आ रही थी, हमें भी सो जाए ये भी जल्दी से। मम्मा, तो बात की सुनाओ। क्या बात की सुनाओ? मैंने मम्मा की बात नहीं मानी थी वो वाली सुनाओ। ये बता तो दिया आपने, आपने मम्मा की बात नहीं मानी थी। आप बताओ। मैं बताऊं? आज डुगू ने मम्मा की बात नहीं मानी, इसलिए डुगू को आज थोड़ी सी डांट लगी। डांट लगी थी? नहीं। अब से गुड बेबी बन जाओगे? हाँ, अब से गुड बेबी बन जाएगा। सो खाना मेरा रेडी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो बस इसको समझाने के चक्कर में हमारा डिनर लेट हो गया। दिन में भी मैंने इसे 1 आवर तक समझाया, फिर लेकिन बच्चे होते हैं ना, मानते नहीं हैं जब भी वे। फिर अब अगेन इसको मैंने समझाया तो अब समझ तो गया है, बाकी देखते हैं कल का रिस्पॉन्स क्या रहता है। फिंगर बाहर निकालो। चलिए लेकर आते हैं डिनर और करते हैं भिंडी की सब्जी और रोटी। मुझे नहीं खाना भिंडी की रोटी। भिंडी की रोटी? भिंडी की रोटी क्या होता है? अचार की रोटी नहीं, अचार की रोटी खाना है मेरा पता। सो डुगू सो चुका है और मैं भी मेरे ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जब भी मेरे चैनल पे न्यू है वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।